कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लेकिन साथ ही कई परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं या स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र भी परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई थी। छात्रों का ये कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा कराई जाए। जेईई मेन कि जो परीक्षा है इस बार 2020 की, वो 1 से 6 सितंबर तक होगी, जिसके लिए इस बार 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है, जिसके लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। अब जरा सोचिए कि 13 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, या दूसरी जो नीट की परीक्षा है, 16 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सब लोग मास्क लगाकर ही आएंगे, और ये सारे लोग जो परीक्षा के लिए बैठेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि ये संक्रमित नहीं होंगे? अगर लाखों की संख्या में जब ये बच्चे, ये छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे और अगर इनमें से कुछ लोग भी संक्रमित हो गए, तो ये महामारी भारत के युवाओं में फैल जाएगी, छात्रों में फैल जाएगी, और उसके बाद एक नई चुनौती देश को झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा सरकार से ये कहना है कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लें कि उन्हें इन परीक्षाओं को आयोजित करना है या अभी इन्हें और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक स्थगित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के जो परिणाम है ये बहुत दूरगामी होंगे, इसलिए सोच समझ कर फैसला।